गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 7:30 और अब मैं उठ गई हूँ। मम्मी तो पहले ही उठ गई थी नमाज़ के लिए और अब मैं बनाने लगी हूँ लेमन टी मम्मा और अपने लिए। मॉर्निंग में सबसे पहले मम्मा लेती हैं लेमन टी और अब मैं भी लेने लगी हूँ उनके साथ। इसके अपने ही बेनिफिट्स होते हैं, बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर लेमन टी के लिए लिया है मैंने 1.5 टीस्पून शुगर लिया है और 2 कप ऑफ वाटर लिया है मैंने। और ये डाल दिया है इसमें चाय की पत्ती और इसी स्टेज पर डाल देते हैं हम इसमें अगर हमें डालना हो थोड़ा जिंजर, इसी स्टेज पर डाल देते हैं। मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड किया है। और मैंने इस तरह से 1 लेमन लिया है, इसको इसमें इसी में स्क्वीज़ कर दिया है। इसको अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे और थोड़ा सा 1 बॉयल आने देंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा 2 पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट। ये बहुत ही अच्छा होता है। मैं इस तरीके से बनाती हैं मम्मा चाय, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और बहुत अच्छी भी होती है। तो बस इस तरह से ये बन गई है। अब मैं जल्दी से इसको कर लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी इसको मैं स्ट्रेनर की हेल्प से। देखिए 2 पिंच ऑफ डाल दिया है मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट और बस ये देखिए अब मैं कर लेती हूँ इसको स्ट्रेन। देखिए हमारी टेस्टी टेस्टी लेमन टी बनकर हो गई है रेडी। ये देखिए मम्मा का रूम है और ये मेरा सब सामान कैसे रखा हुआ है। अब इसको जल्दी से मुझे समेटना है क्योंकि अब घर जाने की तैयारी है। थोड़े दिन बाद मैं चली जाऊंगी ससुराल क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए। हमारे जाके स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं, बस क्या करें जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे मम्मा की बहुत ज़्यादा फिक्र रहेगी, अल्लाह पाक उनको शिफा दे जल्दी से। मेरा दिल यहीं पर रहेगा लेकिन क्या करें, बस जाना तो ज़रूरी है, बस जाऊँगी अब तो। इसलिए अब मुझे समेटना है सामान सब अपना। चलिए मैं अब आपको दिखा देते हैं मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और मार्केट से। चलिए देखिए देखेगा ये 4 मीटर है दस्तरखान एक जगह, ये ना बड़ी सारी मैचिंग हो ना तो उसमें बिछा लो एक सही बस अपना, फिर दो नहीं लगाने। बहुत ही प्यारा प्रिंट है ना मम्मी, इतना अच्छा लग रहा है ग्रे कलर का ना, तो ऐसा है बड़े बड़े फूल, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। हट जाइए और ये लाइए इसमें बिछाने के लिए। कहाँ बिछाओगी इसको? ये शेल्फ में बिछाऊंगी और जब मैं बिछाऊंगी ना इसके ऊपर वो रख दूंगी बर्तन वगैरह ऑर्गेनाइज कर लूंगी, तब दिखाऊंगी अपने किचन में जाकर वहाँ। ठीक है, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सोबर सा कलर है इसका भी, ऐसा नहीं है बहुत गाढ़ा गाढ़ा। और इसके ऊपर डस्ट भी नहीं ज्यादा दिखाई देती इस कलर के ऊपर। और ये लेकर आई थी बॉक्स, और ये बॉक्सेस लेकर आई थी मैं, किचन कंटेनर है, इनमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है, बहुत ही प्यारे हैं, देखने में भी इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे, जैसे कुछ भी रख सकते हैं आप इनके उधर इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से हैं, ये 4 का सेट है, ये फ्लावर है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये भी। देखिएगा ये झड़नी भी लेकर आई हम, देर इनके पास छोटी थी, इनको ये पसंद आई, तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगी है? ये बहुत प्यारी लगी है मुझे, मजबूत है बहुत ज़्यादा, देखो वैसे बहुत बड़ी है। और जैसे बहुत सारी पकौड़ी वगैरह बनानी हो मैं तो मैं एक ही साथ आ जाएंगी, और कचौरी भी बहुत अच्छी, पूरियाँ इससे बहुत अच्छी बनेंगी, तो इसलिए मैं यही ले आई हूँ बड़ी। यहाँ एक हमारे अजीजों में से उम्रा करके आए हैं, उन्होंने हमें ये दिया है, ये तस्वीर दी है उन्होंने, और ये टोपी और जमजम नीचे रखा हुआ है, वो हमें लेकर आए खजूर थी वो तो हम खा ली थी खजूर। बहुत प्यारा कलर है इसका भी, तस्वीर का देखिए ये छोटी है और ये पूरी पट्टी है बड़ी, बहुत ही अच्छी लग रही है लगता है। तो ये इनकी मम्मी से देखिए कितनी प्यारी है ये भी, ये बॉल हैं दो छोटे छोटे, ये लोटे हैं, ये पापा लेकर आए थे इनके लिए 2 लोटे, दोनों फिर वो करती हैं ना आपस में, कितना प्यारा लोटा है, बहुत प्यारा लग रहा है। कैसे डाला करना देखिए, ये साबुनदानी कह रहा है मुझे तो ऐसी लग रही है, लेकिन इसके जो ये है ना अंदर इसे साबुनदानी है, ये सुराख से जो है इसके अंदर। म्यू दे दीजिए टूट जाएगी। देखिएगा ये है मेरी अमरीन का ये कटोरा और ये लोटा, ये छोटी सी थी तो मैं इसके लिए लेकर आई थी, ये पीतल का लोटा और ये पीतल का कटोरा। अब ये मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है वरना ये तो बिल्कुल चमक जाता है। वो मोम पी रही, वो पी रही मोम।
ये अमरीन का ही है, छोटी सी थी, जब देखो कहीं से मुड़ा थोड़ा भी नहीं, झूका तू है, बहुत ही खूबसूरत था, लगा था मुझे ये। और ये लेके आए थे अपना स्लीपर, देखिए कितना आरामदायक स्लीपर है, बहुत ही कंफर्ट हो रहा है पहनने में भी, कह रहे हैं मिलते मेरे लिए पहन कर देखा है ना तो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है, देखिए इसकी सॉल भी कितनी अच्छी है, मुझे भी ला कर देना ये, और बहुत ही अच्छा लग रहा है और कंफर्ट हो रहा है। हाँ आपको भी ऐसा ही ला कर दूंगी जी, डैडी पास चलेंगे जी, याद आ रहे डैडी आ रहे कराएंगी अमरीन, ये मार के लिए लेकर आएंगी, ट्राउजर है इसका, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा, छोटे छोटे से ही अच्छा लग रहा है, ये मिक्की माउस बन रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है छुटकों की, तो ये दोनों ड्रेसेस, ये भी बहुत ही प्यारी है, बेबी हक की है, ये बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है ये, रात रात में पहना दो जैसे थोड़ा मौसम चेंज हो जाए, और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई है फ्रॉक, बहुत प्यारी लग रही है, एक मेरा सूट है बहुत ही प्यारा लगता है, जब मैं पहले आई थी ना तो ये मम्मी ने दिया था मुझे, ये देखिए इस तरह से मैंने लोवर टाइप इसका मैंने क्या किया था, ये मम्मी ने ही सिया था कटिंग करके, और बहुत ही अच्छा आता है ये, जो इसका नीचे से है ना ये ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, लोवर टाइप में है, बहुत प्यारा लगता है, और इसकी शर्ट दिखाना मम्मी, इसकी शर्ट बहुत प्यारी है ब्राइट शेड में, ये देखिए ये रेड कलर में, और ये जो है ना ये चिकन है पूरी, जो चिकन आती है ये वो है, और इसके साथ ये सीक्वेंस का दुपट्टा बड़ा ही प्यारा, पूरा सूट जो है ना ये बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद, पूरा कॉम्बिनेशन इसका बहुत खूबसूरत है, मम्मी की पसंद तो है ही ऐसी, अब मैं इतनी मैं जाना नहीं चाहती मार्केट, और मैं अपना सिर्फ एक ही सूट लेकर आई हूँ यहाँ से, और एक वो लाई थी सिंपल सा, क्योंकि मम्मी के साथ ही लेने की आदत है मुझे शॉपिंग करने की, ये देखिए कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद में, इसका बॉटम वाइट ऑफ वाइट और दुपट्टा ऑफ वाइट है, और रेड कलर की इसकी शर्ट है, बहुत प्यारा, ये देखिए ऊपर से तो हम आ गए, और अभी पैकिंग रह रही है, बच्चों के साथ जाएं तो बच्चे दो काम आगे के बढ़ा देते हैं, चलिए अब कर लेते हैं लंच की तैयारी, लंच में हम बनाएंगे खेमे की कचौरी के लिए, मैंने ये अनियन एंड ग्रीन चिली को कर लिया है चॉपर में चॉप, और अब ले लिया है ये कढ़ाई, और कढ़ाई में अब डाल दूंगी मैं थोड़ा वेजिटेबल ऑयल, पहले तैयार करूंगी इसकी स्टफिंग और फिर आटा गूंदेंगे पूरियों का कचौरी का, अब जल्दी से वेजिटेबल ऑयल मैंने ऐड कर लिया है कढ़ाई में, इसमें अब ऐड कर दूँगी थोड़े क्यूमिन सीड्स, ये देखिएगा इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन सीड्स ऐड करने के बाद अब इसमें जो हमारा ये है अनियन एंड ग्रीन चिली, इसको कर देंगे ऐड, और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और ये अनियन को अच्छे से हम सॉटे करेंगे दो तीन मिनट के लिए, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये देखिए पूरा मैंने चॉपर से सभी अनियन और ग्रीन चिली को ले लिया, फ्लेम को थोड़ा हाई कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो रही है मुझे, और इसमें ऐड कर दिया है मैंने ये जिंजर का पेस्ट, और इसमें ऐड कर दिया है अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से अब हम ये इसको सॉटे कर लेंगे हल्का सा गार्लिक का पेस्ट डालकर भी, और फिर इसमें ऐड कर देंगे अपना कीमा, कीमा ऐड करने के बाद इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, और सॉल्ट को भी इसी स्टेज पर हम कर लेंगे चेक, सभी चीज़ों को चेक करने के बाद बस अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे और फिर कर देंगे इसको ठंडा, और इसमें डाल देंगे थोड़ा भुना जीरा का पाउडर, चलिए बनाने शुरू करते हैं अपनी कचौरी, कचौरी बनाने के लिए देखिए छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, ये जो हमारा मिक्सर है जो स्टफिंग है ये हो गया ठंडा, और बस अब बनानी शुरू करते हैं, इस तरह से हम इसका बनाएंगे पेड़ा, पेड़ा बनाकर इस तरह से मैंने इसको कर लिया है हाथों की हाथों से अपने, और ये देखिए बच्चों को मैंने दे दी हैं बनाकर कचौरियाँ, और इनको खिलाएंगी मम्मी, अब ये मेरा जो है ना यहाँ पर खेल रही हैं, ये देखो ये कैसे खेल रही हैं मेरा यहाँ पर, और बस ये तैयार हो गई है हमारी टेस्टी टेस्टी यम्मी कचौरियाँ, ये देखिए देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, और जब हम लोगों ने खाया था तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया खाकर कचौरी, ये देखिए देखेगा ये थे मैंने कुशन कवर,
अमरीन के लिए देखो, और मैंने ये ऊपर ऊपर का जो है ना ये मैं लेकर आई थी, ये इसके अंदर ये स्पंज भी भरा हुआ है, और फिर मैंने इधर ये वाला लगवा दिया, इसके लगा दिया, लगवा के आते हैं, ये मैंने सिए हैं देखो, ये मैंने 5 सिए हैं, ये दूसरा है और ये 3 हो गए, और जो ये तो इधर उधर हो जाएंगे, जो ये है ना ये दो जिसमें बीच में ये डिज़ाइन आ रहा है ये पट्टी, तो ये बीच में आ जाएंगे दोनों, देखो ये पूरे 5 का सेट हो गया, ये मैंने खुद सिए थे अपने बच्ची के सोफे के लिए कुशन कवर, देखो कितने अच्छे लग रहा है, कितने प्यारे लग रहा है, अब जाके बिछाएगी ना तो आप लोगों को भी दिखाएगी बिछा के। एक 2 3 4 5 ये देखिए बना दिए कोफ्ते, और इनको बॉईल करके रख देंगे, फिर इनको हम कर देंगे फ्रीज, फिर ये झटपट तैयार हो जाएंगे हमारे कोफ्ते। लोगों ने कोफ्ते ही खाए थे और आज भी खाला नहीं है भेजनी है, इतने कोफ्ते हो रहे हैं, और बस खाने वाला मम्मी और मैं, और बच्चे थोड़ा सा खा लेते हैं, पापा तो खाते ही नहीं है। दोपहर में हमने कचौरियाँ बनाई थी और अब शलजम पालक तैयार कर लिया है मम्मी ने। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।